आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। बता दें कि धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रदेश में बाजारों में रौनक दिखाई पड़ रही है। कहीं पर लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं तो कहीं पर बर्तनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। हर जगह पर लोग अपने अपने घरों के लिए या गृहस्थी के लिए कुछ ना कुछ खरीदते नजर आ रहे हैं। वहीं धनतेरस और दिवाली पर एक दूसरे को भेंट देने का भी चलन है, जिसके चलते गिफ्ट की दुकानों पर भी भीड़ दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बाजारों की रौनक आपको दिखाएंगे और क्या कुछ बाजारों में इस बार रौनक है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है धनतेरस पर। और सबसे पहले आपको रुख करते हैं प्रयागराज में, जहां हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजारों की रौनक को दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि प्रयागराज में क्या माहौल है धनतेरस को लेकर। पवन, देखा जाए तो अभी दिवाली की पर्व की शुरुआत हो चुकी है, आज धनतेरस से बाजारों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है आज? आज से 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो गई और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर व्यापारियों की माने तो व्यापारियों को ने कहा कि कहीं न कहीं शनिवार को लेकर व्यापार में थोड़ी सी मंदी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि लोग शनिवार के दिन ज्यादातर चीजों को खरीदने से परहेज करते हैं और बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। आज के दिन लोग जो है मूर्तियां, बर्तन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें, गाड़ी मोटर, तमाम चीजें खरीदते हैं, तो कहा जाता है कि आज के दिन से ही धन की वर्षा होती है। अगर बात की जाए बाजारों की तो बाजारों में और प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और व्यापारियों का कहना है कि इस त्योहार में धन की वर्षा होगी। और निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं वो देख के कहा जा सकता है कि व्यापारियों के अच्छे खासे व्यापार होने की उम्मीद भी है। जी नंदिनी, प्रयागराज में क्या कुछ अभी माहौल दिख रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद ऐसा पहली बार बाजार सजा होगा? हाँ बिल्कुल, अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड में जिस तरीके से पूरा देश कहीं ना कहीं महामारी की चपेट में था और कोविड के बाद से जिस तरीके से बाजारों में रौनक लौटी है तो निश्चित रूप से व्यापारियों के चेहरे पे एक अच्छी खासी खुशी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आज बाजारों की जो यहाँ पे दिखे गए हैं लोग गए हैं और बाजारों की जो हालत है वो कहीं ना कहीं व्यापारी उससे चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो शनिवार है शनिवार की वजह से व्यापारियों का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले कल में जो व्यापारी हैं उनके अच्छे खासे व्यापार होने की उम्मीद है और लोग तमाम तरह की चीजें खरीद रहे हैं, चाहे वो सोने चांदी की चीजें हो, चाहे बर्तनों की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकानों की बात की जाए या गाड़ी मोटरों की बात की जाए। अगर बीते वर्षों की बात की जाए तो कोविड के पहले प्रयागराज जो है व्यापारियों के लिए अच्छा खासा त्योहार साबित होता है और अच्छी खासी धन की वर्षा होती है, लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल है व्यापारियों के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। जी नंदिनी, पवन, हम चाहते हैं कि वहां का बाजार की रौनक थोड़ा दिखाएं और लोगों से बातचीत करें, कैसा लग रहा है उन्हें दो कोरोना के बाद ऐसी बाजार सजने को मिली होगी। बिल्कुल नंदिनी, ये तस्वीरें हैं प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए। देखिए ये मूर्ति की दुकानें हैं जहाँ पे गणेश लक्ष्मी की बड़े खूबसूरत मूर्तियां रखी गई हैं और लोग यहाँ बाजारों में खरीद रहे हैं। ये देखिए पूरे बाजार जो है यहाँ से वहां तक लगा हुआ है और अच्छी खासी भीड़ है लोगों की बात की जाए तो लोग देखिए बाजारों में तरह तरह की चीजें खरीद रहे हैं और यहाँ तमाम तरह के लोग हैं। अच्छा, ये भी चीजें हैं कि जो लोग नौकरी पेशा है या कहीं काम धंधा करते हैं वो अपने घरों को लौटे हैं तो बाजारों से खरीदारी करते हैं और अपने घरों को जाते हैं और तमाम तरह की चीजें हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए खरीदते हैं, उनको जो है उपहार स्वरूप देते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग भी आते हैं जो बाजारों में घूमते हैं, बाजार में लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बाजारों में रौनक है और किस तरीके से लोग बाजारों में घूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप, किस तरीके से बाजारों में रौनक है? जी मैं प्रयागराज भीटा घूरपुर बाजार, जय माँ लक्ष्मी और जय गणेश। देखिए यह दीपावली का पावन पर्व हमारे आपके समक्ष आया हुआ है। आज धनतेरस, यद्यपि धनतेरस का बहुत ही सुंदर यह पर्व है जो हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है, इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान गणेश की कृपा, साथ में भगवान कुबेर के द्वारा धन की वर्षा। आज शनिवार हो जाने की वजह से थोड़ा सा बाजार में जो है खरीदारी की स्थितियाँ कमजोर हैं, किंतु फिर भी लोग जो है माँ लक्ष्मी को सदा सर्वदा अपने घर की देवी मान करके और भगवान विघ्नेश गणेश जी को विघ्न का देवता मान करके उनकी खरीदारी करते हैं। घर के लिए झाड़ू जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है वह ले जा रहे हैं और साथ ही साथ अन्यान्य वस्तुएं उपहार स्वरूप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए ले जा रहे हैं। तो आज जो है यह दीपावली का पर्व
आज से ही प्रारंभ हो गया है दीपों का जो है प्रज्वलित करना, दीपों को उजागर करना और घर से दरिद्रता को दूर करना। जय माँ लक्ष्मी, जय विघ्नेश। ये इस तरीके से नंदिनी प्रयागराज के बाजारों में लोगों की भीड़ है और लोगों की जो खरीदारी है वो देखी जा रही है और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों ने अच्छी खासी दुकानें सजा रखी हैं विभिन्न तरीके से, कोई लाइटों से, कोई फूलों से, झालरों से। तो जिस तरीके से दीप पर्व की शुरुआत हो गई है यहाँ पे संगम नगरी प्रयागराज में, लोगों के चेहरे पे और लोगों के बीच अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी नंदिनी, पवन वहाँ कुछ अगर महिलाएं हो तो उनसे बातचीत करिए, कैसा लग रहा है उन्हें ये खरीदारी करते हुए? अक्सर महिलाएं बाजार में निकली होंगी आज। बिल्कुल नंदिनी, ये मैं पहले दिखाता हुआ चलूंगा, चूंकि महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं कुछ बोलने से कतराती हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि महिलाएं बाजार में किस तरीके से खरीदारी कर रही हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बाजारों में खरीदारी कर रही हैं, किस तरीके से त्योहार को आप लोग खरीदारी कर रही है? दीपावली का सामान ले रहे हैं और क्या भैया? दीपावली का सामान ले रहे हैं, रंगोली है, बच्चों को पड़ाका है, दिवाली है, सजाने जाने के लिए ले रहे हैं। हो गया भैया। ये नंदिनी एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे किस तरीके से दुकानें लगी हैं। ये देखिए यहाँ पे मूर्तियों की दुकानें हैं और जो सबसे खास चीज होती है दीपावली में, ये देखिए ये चीनी मिट्टी के मीठे बर्तन होते हैं, ये तरह तरह के हाथी, घोड़े, अन्य चीजें बनी होती हैं जो बच्चों बड़े चाव से खाते हैं। इसको जो है बाजारों में इसको शुभ माना जाता है, दीपावली पर्व में इसको रख के पूजन किया जाता है। ये बड़ी खास चीज होती है और जो दीपावली पर्व में लोगों के लिए पूजा करने की सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। जी नंदिनी, धनतेरस के दिन देखा जाए तो बर्तनों का बड़ा विशेष महत्व होता है। आज के दिन धनतेरस के दिन बर्तन को लेकर बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। अब चूंकि मैंने पहले बताया नंदिनी कि ये देखिए, ये पहले तो ये तस्वीर है, देखिए किस तरीके से सड़कों पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ है और अच्छा खासा लोहा जाम जैसा दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं बाजारों में, ये भीड़ का आलम है। और रही बात जिस तरीके से धनतेरस पे बर्तनों के खरीदारी की बात की जाती है, तो मैंने पहले बताया कि आज शनिवार पड़ने की वजह से बाजारों में बर्तन को लेके या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनको लेके लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, उससे खरीदारी तो लोग थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आज धनतेरस पे जो बर्तनों की बिक्री है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री है, गाड़ियों की बिक्री है या अन्य जो चीजें हैं जिनमें लोहे की कहीं ना कहीं होती है, उसकी थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है। व्यापारी हालांकि पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनके जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले कल में इनको अच्छा खासा मुनाफा होगा और लोग बाजारों में फिर से निकलेंगे और अच्छी खासी खरीदारी करेंगे। जी नंदिनी, देखा जाए तो अक्सर पवन मूर्तियों को लेकर एक ट्रेंड बन जाता है कि मूर्तियां ऐसी होती हैं, भगवान गणेश की बात करें, माता लक्ष्मी, तो मूर्तियों को लेकर अक्सर ट्रेंड में बना रहता है, तो क्या कुछ खास है इस बार मूर्तियों में? देखिए चूंकि नंदिनी सबसे ज्यादा प्रयागराज की बात की है, पूरे विश्व की बात की जाए तो मूर्तियों का जो सबसे अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि जो शुद्ध मिट्टी की मूर्तियां होती हैं वो पूजने के लिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति सबसे विशेष मानी जाती है। हालांकि बाजारों में कई तरह की मूर्तियां हैं और लोग अच्छे अच्छे तरीकों से बनाते हैं, कई अन्य शहरों से प्रदेशों से लाके बेचते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि किन मूर्तियों की जो सबसे अच्छी विशेषता है, तो लोग कहा जाता है कि मिट्टी के जो मूर्तियां होती है उनकी सबसे अच्छी विशेषता होती है मूर्ति की। जी नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। धनतेरस पर किस तरह बाजार में रौनक फैली हुई, लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। आज धनतेरस के दिन सोने चांदी का, बर्तनों का खरीदारी बहुत 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 महत्व माना जाता है इसका। और आज के दिन सोने चांदी, झाड़ू, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं बाजारों में निकली हुई हैं और आज धनतेरस की तैयारियों में लगी हुई हैं। दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है, धनतेरस के दिन बर्तनों का, सोने चांदी का विशेष महत्व माना जाता है। बर्तनों बाजारों की बात करें तो मूर्तियों का भी एक अलग ट्रेंड रहा है अक्सर दीपावली में, और आप देख सकते हैं कि
और हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर जानेंगे कि बाजारों में क्या रौनक है। अनिल, कानपुर में क्या कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आज धनतेरस के दिन? जी बता दो कि इस बार जो धनतेरस है दो दिन की मनाई जा रही है, आज और कल दो दिन मनाई जा रही है। बता दूं ये भी कि आज शनिवार होने की वजह से बाजार में उतना इतनी ज्यादा रौनक नहीं थी, क्योंकि शनिवार को अक्सर लोग लोहा और लोहे जैसे धातु खरीदने में घबराते हैं, इसलिए कल की लोगों को माना जा रहा है कि कल का जो बाजार होगा कहीं ना कहीं का जो भी दुकानदार होंगे उनके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि जिस हिसाब से महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें चलती महंगाई के चलते कहीं ना कहीं लोगों में काफी निराशा है इस बार त्यौहार को लेकर, क्योंकि जब हमने प्राइम टीवी ने और हमने बात करने की कोशिश की लोगों से तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक कारीगर और जितने भी दुकानदार थे ये चीज दिखी कि कहीं ना कहीं थोड़ा इस चीज से मायूस है कि जो महंगाई चल रही है, क्योंकि इस वक्त महंगाई के चलते लोगों की जेब से उतने पैसे नहीं निकल पा रहे हैं जो पहले निकला करते थे। हालांकि कोविड से दो साल बीत जाने के बाद इस बार बाजार पूरी तरीके से खुले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक महंगाई का दौर की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में इसका प्रभाव दिख रहा है। जी नंदन, अनिल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त किस बाजार में मौजूद है, वहाँ का क्या माहौल है, थोड़ा सा दिखाएं हमें। जी मैं बता दूं कि मैं इस वक्त कानपुर के आवास विकास बाजार में खड़ा हूँ। बाजार है, आप देख सकते हैं कि कैसे बाजार में मायूसी छाई हुई है। आपको दिखा दूं कि लगभग ये वो बाजार है जहाँ पे लगभग हमेशा 4-5-10 हज़ार लोग हमेशा टाइम पे बन रहते थे। मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त बाजार बिल्कुल मायूस पड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई के चलते कहीं ना कहीं इस चीज का एक चीज दिख रही है कानपुर में, क्योंकि कानपुर एक हब माना जाता है और खासकर से व्यापार का और तमाम चीजों का, लेकिन कहीं ना कहीं चीज का असर हमको दिख रहा है। जी अनिल, अपने आसपास लोगों से कुछ बातचीत कर सकते हैं आप, उनका क्या राय है धनतेरस कोरोना के बाद ऐसा बाजार देखने को मिला होगा? जी मैं बता दूं कि इस वक्त मैं इस शॉप पे खड़ा हूँ। जी आपका क्या नाम है? दिनेश शर्मा। ये कैसा बाजार है इस बार को धनतेरस का? बाजार ठीक है, लेकिन वो आनंद नहीं है जो हर साल हुआ करता था। कोरोना के दो साल बाद बाजार खुला है तो क्या बाजार में कुछ रौनक आई है और मार्केट में कुछ निकल रहा है और कस्टमर भी आ रहे हैं अच्छे से, और मतलब ठीक है, अच्छा कहा जा सकता आने वाले। क्या महंगाई का असर है? देखिए महंगाई तो अब थोड़ा सा इनकम लोगों का कम हुआ है तो लगता है कि महंगा ज्यादा है, बाकी महंगाई उस हिसाब से कोई ज्यादा नहीं बढ़ी, सब नॉर्मल ही है और जिसको लेना होता है वो ले जाता है तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दिनेश जी एक व्यापारी हैं, उनका कहना है कि महंगाई का कुछ इनकम कम हुई है इसकी वजह से कुछ ज्यादा चीजें नहीं दिख रही, लेकिन हाँ महंगाई तो है, लेकिन इनका कहना है कि बाजार में हो सकता है कि आज की अपेक्षा कल रौनक आएगी। इसके अलावा हम कुछ ग्राहकों से भी बात करना चाहेंगे कि बात करना चाहेंगे आप क्या लेने आए, कैसे क्या बाजार दिख रहा है आपको? सोफा के हिसाब से सोचा था कि अपने बजट में आ जाएगा, उस हिसाब से अभी तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जैसे मिनिमम एक बजट होता है आदमी का कि अपना सामान इतने में ले लेंगे, लेकिन अब वो हमारे बजट से ऊपर जा रहा है तो फिर विचार करना पड़ जा रहा है। तो क्या महंगाई का भी कोई दौर माना जा रहा है? बिल्कुल है महंगाई, क्या कोविड के बाद से आदमी की जो आमदनी है वो दिन पर दिन जो है घटती जा रही है, और उस हिसाब से सेविंग होनी चाहिए वो सेविंग नहीं हो पा रही, हर चीज महंगी है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए एक बजट बनाना कि त्योहार को भी कैसे मनाएं। तो आप किस तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे इस बार दीपावली और धनतेरस को? सेलिब्रेशन जिस तरीके से है अब उतनी जितनी व्यवस्था होगी उस हिसाब से अपना काम किया जाएगा। तो ये ग्राहक थे और उनका कहना है कि जिस हिसाब से व्यवस्था है उसी हिसाब से इस त्योहार को एंजॉय करेंगे, और कहीं ना कहीं एक महंगाई का दौर जो है कानपुर में देखने को मिल रहा है। जी नंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बता दें कि आज धनतेरस है और बाजारों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रौनक देखने को मिल रही है। प्रयागराज कानपुर से आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने किस तरीके से बाजारों की रौनक दिखाई और आपको बताया कि वहां के कुछ लोगों क्या कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं धनतेरस को लेकर। और अब हम आपको राजधानी लखनऊ में लेकर चलेंगे जहाँ आपको दिखाएंगे कि राजधानी लखनऊ में किस तरीके से तैयारी की गई और क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ में क्या कुछ माहौल है धनतेरस को लेकर? इस समय हम लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध भूतनाथ मार्केट में आए हुए हैं
और ये मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है हर हिसाब से देखा जाए तो। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना महामारी ने पिछले 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के जो है त्योहारों पे एक प्रतिबंध सा लगा दिया था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, आवागमन ठप हो गया था, लोग गले नहीं मिल पाते थे, हाथ नहीं मिला पाते तो मिला पाते थे, लेकिन 2 साल बाद जो है कोविड के थमने के बाद जो है मार्केट में फिर से जो है रौनकें बढ़ गई हैं नंदनी, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से और बाकी दिवाली तक जो है ये खरीदारियां लोगों की जारी रहेंगी, लोग खरीदारियां करेंगे और काफी जोश और उत्साह दिख रहा है खरीदारों में त्योहार को लेकर। वैसे भी दिवाली जो है भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास और जोश के साथ मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का आगमन इस दिन जो है घर पे हुआ था, भगवान राम का जो है आगमन जो है इसी दिन जो है वो अयोध्या लौटे थे, उसी के उपलक्ष में ये त्योहार मनाया जाता है और पूरा भारत देश जो है इसे बड़ी धूमधाम से मनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भूस्ताम मार्केट में चहल पहल लगी हुई है, गाड़ियों की चहल पहल से लेकर लोगों की चहल पहल है, हर प्रकार की दुकानों पे नंदनी जैसे मैं बता सकता हूँ कि सोने चांदी ज्वेलरी शॉप से लेके बर्तन स्टोर से लेके गिफ्ट कॉर्नर से लेके फलों की दुकानें फूलों की दुकानें सजी हुई हैं और खचाखच भरी हुई हैं जो है खरीदारों से। नंदनी विवेक वहाँ का क्या माहौल है हमारे दर्शकों को दिखाया और वहाँ के लोगों से जानिए कि कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है उनके अंदर, कैसा धनतेरस को लेकर क्या उत्साह भी इस बार कोरोना के बाद इस तरीके से बाजार सजी है। जी नंदनी यहाँ पे जो है इस समय काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, भूतनाथ का ये प्रसिद्ध मार्केट है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप जो है वो अगर जो यहाँ पे खरीदार है उनकी भीड़ को दिखाइए, मार्केट की चहल पहल आप देख सकती है नंदनी किस तरह से भूतनाथ का मार्केट सजा हुआ है। व्यापारी मंडल ने मार्केट को सजा के जो है गुब्बारों से सजाया हुआ है। यहाँ पे अभी जैसे ही जो है सूरज ढलेगा नंदनी शाम थोड़ा ज्यादा होगी यहाँ पे लाइटें जो है जगमगा जाएंगी, पूरी तरीके से मार्केट की पूरी व्यवस्था करा दी गई है। आप देख सकते हैं कैसे गुब्बारे लगे हुए हैं, हर एक दुकान नंदनी यहाँ पे सजी हुई है, चाहे बर्तन स्टोर हो, ज्वेलरी शॉप हो, फूलों की दुकान हो या फिर फलों की दुकान हो। और आप भीड़ भी देख सकते हैं नंदनी की कितनी ज्यादा भीड़ है, एक्साइटमेंट कितना है लोगों में कि वो खरीदारी करने आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से आ रहे हैं और भारी मात्रा में जो है कोरोना काल के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों का आवागमन ठप हो गया था, त्योहारों की बात करें तो लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया था, लेकिन कोविड के थमने के बाद जो है ये दूसरा साल है कि जब ये त्योहार जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पिछले बार की तुलना में इस बार जो है खरीदारी और ज्यादा हो रही है, भीड़ ज्यादा दिख रही है मार्केटों में, व्यापारी भी खुश हैं, खरीदार भी खुश हैं, अपने अपने तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं और बड़े ही जोश और उत्साह के साथ नंदनी जो है मार्केट जो है सजा हुआ है। देखा जाए तो विवेक महंगाई की मार थोड़ी आम जनता की जेब पर इस बार पड़ा है, लेकिन क्या कुछ इस वहाँ के लोग उत्साहित किस तरीके से हैं वहाँ पे बात हो सकती है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि कोविड के समय में सारी चीजें थम गई थी, महंगाई की मार इस समय है, तो मैं आपको लोगों से बात कराऊंगा, उनसे पूछूंगा कि कितनी ज्यादा जो है महंगाई का दम झेल रहे हैं त्योहार में, क्या कुछ वो बताएंगे। मैम ये बताइए आप अपनी दुकान लगाई है यहाँ पे, सुबह से अपनी दुकान लगाई हुई है, कितने खरीदार जो है आ रहे हैं क्योंकि महंगाई भी ज्यादा है? और क्या चल रहा है पिछले साल की अपेक्षा क्या हाल है? मैम ये बताइए कि आप खरीदारी करने आई होंगे, क्या क्या चीजें आपने खरीदी या कोई योजना बता रही है? बहुत महंगा है, पिछले साल की अपेक्षा क्या हाल है इस साल का? नंदनी देखिए जिस तरह से हमने आपके दुकानदारों से भी बात कराई, हमने जो है खरीदारों से भी बात कराई, तो सबने यही कहा कि महंगाई जो है काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का ये कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा जो है इस बार थोड़ा सा सेल अभी डाउन चल रहा है। वही खरीदारी करने जो महिला आई हुई है उन्होंने कहा कि खरीदारी हम पूरी कर रहे हैं, पिछले साल की अपेक्षा जो है अच्छी खासी खरीदारी कर रही है और मार्केट में जो है रौनक बनी हुई। नंदनी आप देख सकती हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है इस त्योहार को लेके, बहुत ज्यादा भीड़ है इस त्योहार को लेके, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और
भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। भूसा जो ये मार्केट है काफी बड़ा मार्केट है और काफी प्रसिद्ध मार्केट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे भीड़ जो है दिख रही है आपको नंदिनी जी। बिल्कुल। और आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप है जहाँ पे लोगों की भीड़ आप देख सकती है। और यहाँ पे जो है हम एक ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी के लिए सोने चांदी के आभूषणों के लिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। आज धनतेरस का त्योहार है, आज के दिन जो है आभूषणों की खरीदारी लोग करते हैं, सोने के सिक्के चांदी और उसके बाद से कई सारे आभूषण रखते हैं। दूसरी बात जो है यहाँ पे बर्तन और मूर्तियां भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे मार्केट सजी हुई है बर्तनों के हिसाब से और लोग मूर्तियां खरीदारी करने आ रहे हैं। मैं आप दिखाता हूँ आपको, हम आपसे हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पे जो खरीदार हैं। मैम आपके यहाँ खरीदारी करने आए हुए हैं, धनतेरस का त्योहार है तो क्या कुछ जाना चाहते, मार्केट कैसा है, क्या कुछ खरीदारी आप करने वाली है यहाँ पे गणेश स्तर में आए और क्या कुछ खरीदारी आप करेंगे इसके बाद बर्तन वगैरह की दुकानें सजी हुई है यहाँ पे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कैसा है क्योंकि महंगाई थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है इस हिसाब से आप इस बार आए। मैं आप और भी लोगों से हम यहाँ पे बातें करेंगे और बताएंगे कि तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ जो है लगी हुई है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, हर प्रकार की चीजों को खरीद रहे हैं। सोने चांदी के आभूषणों की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। रंगोली से लेके गणेश मंदिर की प्रतिमा हो गई, बर्तन स्टोर हो गए, सभी प्रकार की दुकानों पे या फिर वो मिट्टी के दिए वगैरह की दुकानें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सभी प्रकार स्टॉल लगे हुए हैं। काफी बड़ा मार्केट है ये भूतनाथ का, लखनऊ का प्रसिद्ध भूतनाथ का मार्केट है। और यहाँ पे आप देखिए ये मालाएं लगी हुई हैं जो गणेश लक्ष्मी के प्रतिमा पे लगाई जाती हैं। स्टॉल लगा हुआ है, कई प्रकार के लोग जो है बारी बारी से जो है अपने समय के हिसाब से अपने समय लेके जो है खरीदारी करने निकले हुए हैं। और रौनक काफी भूतनाथ मार्केट की और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है निरंतर बढ़ती ही जा रही है, गाड़ियों का काफिला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो कह सकते हैं नंदनी कि इस बार दिवाली जो है काफी बाजार जो है जगमग है, काफी रोशन है, खरीदारी ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बावजूद जो है नंदनी खरीदारी जो है जारी है, लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि साल में एक बार ही दिवाली का त्यौहार आता है, धनतेरस का त्यौहार आता है और आज के दिन जो है पूरा भारतवर्ष जो है खरीदारी करता है। हर प्रकार की चीजें हो गई, सोने चांदी के आभूषण हो गए, बर्तन हो गए, खरीदारी पूरी भारत की जनता करती है। तो लखनऊ का ये भूतनाथ का मार्केट है जो खरीदारों से, जनता से, व्यापारियों से, हर प्रकार की चीजों से भरा पड़ा हुआ है। नंदनी विवेक, हम जानना चाहेंगे कि किसी आप ज्वेलरी शॉप पर जाएं, वहां पर सोने चांदी के क्या रेट हैं, क्या उछाल आया है, क्या गिरावट आई है बाजार में, सोने चांदी को लेकर क्या कुछ रेट है और कैसी रौनक देखने को मिल रही है इस बार। जी नंदनी, मैंने अभी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पे जो सोने की दुकानें है वहाँ की तरफ से थोड़ा कैमरा दिखाएं और वहाँ पे जो है जो भीड़ निकल रही है, जो भीड़ है वहाँ पे उसको कवर करें। सोने और चांदी के जो रेट है नंदनी, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से चढ़ते उतरते रहते हैं और शनिवार रविवार को छोड़ के बाकी 5 दिन ही इनके रेटों को दर्ज किया जाता है। बाकी 2 दिन बाजार बंद होने का इनके जो रेट है वो जाहिर नहीं आते। यानी आज भी सोने का वही रेट रहेगा जो शुक्रवार को था, क्योंकि आज शनिवार है। उस हिसाब से सोने के दामों की ना बढ़ोतरी याद दर्ज की जाएगी ना ही कोई घटोतरी याद दर्ज की जाएगी। तो कल के रेट से ही जो है आज भी सोने के दामों में सोने के दाम जो है वो यथावत बने रहेंगे और अगली बार सोमवार को जो है सोने के दामों में नए रेट को देखा जा सकता है। यानी नंदनी सिक्के लिए जाते हैं और क्या कुछ इस बार ट्रेंडिंग में क्या कुछ है सोने चांदी को लेकर, सिक्कों को लेकर।
जैसा कि आपने देखा कि धनतेरस को लेकर बाजारों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, और हमारे संवाददाता ने अलग अलग जगहों से अलग अलग बाजारों की रौनक दिखाई आपको, लखनऊ से, प्रयागराज से, कानपुर से। लोगों में इस बार देखा जाए तो महंगाई की थोड़ी मार है, आम जनता की जेब पर पड़ा है लोगों में, लेकिन इस बार एक उत्साह भी देखने को मिला है। कोरोना के 2 साल बाद इस तरीके से बाजार सजी है और लोग घरों से निकल कर आज की खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो मूर्तियों की बात हुई, चाहे वो सोने चांदी को लेकर हुआ। और आज के दिन बर्तनों का भी बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, धनतेरस के दिन माना जाता है कि बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है। तो और इससे अधिक जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। गोरखपुर में जानेंगे क्या कुछ बाजार है इस बार, क्या कैसा माहौल है गोरखपुर में। हिमांशु, क्या कुछ बाजार में देखने को मिल रहा है गोरखपुर के धनतेरस को लेकर? ऐसे में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, हालांकि महंगाई की मार है लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं हो रही है। लोग बड़े उत्साह के साथ और भाव से यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जो सामान खरीद रहे हैं। आपको बता दें मूर्तियाँ जो है दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की विशेष परंपरा है, उसके लिए जो है मिट्टी की मूर्तियां या सोने चांदी की मूर्तियां जो है खरीदते हैं लोग, उनसे पूजा अर्चना करते हैं। खासकर इससे पूरा रास्ता सजावट होता है, साफ सफाई होती है। और मार्केट में आप बता दें कि धनतेरस का दिन में पूरी तरह से मार्केट में रौनक है। चारों तरफ आपको दिखा देना चाहेंगे, चाहे हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि मूर्तियों की दुकान है, यहाँ भीड़ और माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां दिख रही है। इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, उधर बर्तन की आप देख सकते हैं पूरी तरह से दृश्य साफ दिख रहा है और लोग अपना खरीदारी में लगे हुए हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार आया हुआ और यहाँ पूरी तरह से खरीदारी करने में लगा हुआ है और खरीदारी का विशेष महत्व होता है। हिमांशु, गोरखपुर के वहाँ पे लोगों, महिलाओं और क्या कुछ दुकानदारों से बात हो सकती हो कि कैसी वो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस बार धनतेरस को लेकर, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद इस तरीके से बाजार सजा है? बिल्कुल, बता दें कि धनतेरस का शुरुआत है, लोगों से बहुत ज्यादा उत्साह है लेकिन खरीदारी करते जल्द से जल्द उनको धक होता है, ऐसे में लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। और पीछे हम आपको दिखा दें कि लोग यहाँ पे हैं और महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और वो अपना यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं खरीदारी में लगे हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पे खरीदारी चल रही है। लोग मार्केट में पूरी तरह से हलचल है, भीड़ है और काफी उत्साह के साथ लोग यहाँ आए हुए हैं। सोने चांदी की दुकानों पे भी काफी भीड़ उत्साह दिख रही है। लेकिन उनका भी कहना है कि इस बार जो है दीपावली अच्छे से मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा का जो है महत्व होता है और इसमें धन की देवी माँ लक्ष्मी को माना जाता है, इसलिए सोने चांदी के बिस्कुट या फिर सिक्के जो है खरीदने का खास चलन होता है। नंदनी, हिमांशु, देखा जाए तो महिलाओं को लेकर अक्सर घर की बाजारों को रौनक लेकर इस बार रौनक बाहर निकल रही है, तो क्या कुछ उनसे आप बात कर सकते हैं कि महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिमांशु, वहाँ पर महिलाओं से क्या कुछ बात हो सकती है? महिलाएं घर बाहर निकलती हैं तो देखा जाए तो इस बार महंगाई की भी मार आम जनता पर पड़ी है। बिल्कुल, महंगाई की बात करें तो जाहिर सी बात है कि महंगाई इस बार काफी है और इसके बावजूद जो है लोगों ने चाहे 2 साल और जितनी भी यहाँ पे दुकानें सजाई गई है, यहाँ पे माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां हैं, उनके साथ सजों का सामान है, चिराग है, दिया है और उसको ले करके पूरी तरह से यहाँ लगे हुए हैं लोग कि किस तरीके से दीपावली मनाना है। खासा उत्साह है लोगों में, बच्चे जो है पटाखों की दुकानों पर जा रहे हैं, पटाखे जो है फोड़ने का चलन भी चलता है कि लोग उत्साह से आतिशबाजी करते हैं। जाहिर सी बात है पूरी तरह से बाजार में रौनक है रही है। हिमांशु, वहाँ के दुकानदारों से क्या कुछ बातचीत आपकी हो सकती है, क्या माहौल है, कैसे वो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल, बात करने की कोशिश करते हैं हम, हमारे पीछे यहाँ पे दुकानदार भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से वो इस बार जो है कोरोना काल का ये समय है और किस तरीके से वो कोरोना काल में और उसके बाद जो है इस तरह से देखा है मार्केट का क्या। भाई साहब, आज दीपावली के बाद पहले जो है धनतेरस है और किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं?
कैसा रौनक कैसा है मार्केट कैसी? जी बिल्कुल, अभी मार्केट की शुरुआत है इसलिए रौनक है, लेकिन किस तरीके से नहीं है, लोगों को थोड़ा सा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। को लेकर अक्सर एक ट्रेंड बना रहता है, सिक्कों को लेकर अक्सर एक ट्रेंड रहता है, तो गोरखपुर में क्या कुछ इस बार ट्रेंड कर रहा है? हिमांशु, देखा जाए तो अक्सर मूर्तियों को लेकर और सिक्कों को लेकर एक ट्रेंड बना रहता है, तो गोरखपुर में इस बार क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है? मूर्तियों की खास बात करें तो माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्तियों के बारे में। जी बिल्कुल, मूर्तियों की बात करें तो इस बार विशेष तरीके से मूर्तियों को सजाया गया है और विशेष तरह की मूर्तियां भी बनाई गई है। कच्चे पेंट से बनाई गई मूर्तियां हैं, प्राकृतिक कलर से और कच्ची मिट्टी की, जो कि पूरी तरह से जो है रख रखाव में भी अच्छी होती है और सुंदर भी लग रही है। लेकिन इसके साथ ही आप बात कर सकते हैं कि जो सोने चांदी के सिक्कों पे एक भव्य लक्ष्मी गणेश के साथ जो है कुबेर और हनुमान जी की मूर्तियों वाला जो है उसका काफी प्रचलन में चल रहा है। देखा जाए तो धनतेरस के दिन बर्तन का बड़ा विशेष महत्व होता है। जी बिल्कुल, नंदनी बर्तन की बात की जाए तो किसी गृहस्थ जितनी भी महिलाएं होती हैं वो घर के लिए जो है गृहस्थी के लिए बर्तन खरीदती हैं। खासकर बर्तन खरीदने का ये चलन होता है कि जिससे भगवाना है या कोई भी चीज ऐसा है जिसको खरीद लिया जाए कल्चुल, क्योंकि इससे जो है उसका मानना होता है कि गृहस्थी अच्छी चलती है, अम्मा लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और कभी भी खाने पीने की किसी तरह की धन की कोई कमी नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि ये थे हमारे संवाददाता हिमांशु जो गोरखपुर से खबरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से गोरखपुर में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है धनतेरस को लेकर, वहाँ की बाजारों में भी वही रौनक है क्योंकि दो साल बाद इस तरीके से बाजार सजी है धनतेरस को लेकर, दीपावली आ चुकी है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बाजारों में रौनक है। आप देख सकते हैं सोने चांदी को लेकर हुई, चाहे बर्तनों को लेकर हुआ, चाहे मूर्तियों को लेकर हुआ, हर लोग हर तरफ से अलग अलग बाजार सजी हुई है और अलग अलग तरीके से लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं 2022 की इस धनतेरस की दिवाली को और दिवाली को लेकर। बता दें कि आप धनतेरस पर आपने देखा कि बाजारों में अलग अलग जगह से अलग अलग रौनक देखने को मिल रही है। अभी हम आपको प्रयागराज से, कानपुर से और गोरखपुर से अभी हमने दिखाया कि वहां का क्या माहौल है धनतेरस को लेकर, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं और किस तरीके से बाजारों में चाहे सोने चांदी को लेकर हुआ, चाहे बर्तनों को लेकर हुआ, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कोरोना के दो साल बाद इस तरीके से बाजार सजी है, अलग अलग तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, मूर्तियों को लेकर हुआ, चाहे बर्तनों को लेकर हुआ, बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रदेश में बाजारों में रौनक दिखाई पड़ रही है, कहीं पर लोग सोना चांदी की खरीदारी कर रहे हैं, कहीं पर बर्तनों की दुकानों पर भीड़ लग गई है, अलग अलग जगहों पर अब अपनी गृहस्थी के लिए कुछ ना कुछ लोग खरीदते नजर आ रहे हैं। और लखनऊ हमारे संवाददाता विभांशु से हम जानेंगे, इस वक्त वो लखनऊ के बाजार में मौजूद हैं, क्या विभांशु वहाँ का क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस बार धनतेरस को लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, भी बात की जाए तो अभी आपने देखा कि हमारे सहयोगी विवेक ने आपको दिखाया कि मार्केट का क्या रौनक है और इस वक्त अगर देखा जाए तो धनतेरस के अंदर में जो मेटल होता है, धातु खरीदने की जो परंपरा है हिंदू विधि विवाद के अनुसार, वो भारी मात्रा में आपको देखने को मिली। इस वक्त हम एक सोने चांदी की दुकान पे हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी उत्साह देखने को मिला है, ग्राहक जो है वो आज के दिन सोने से और चांदी से बने धातुओं को खरीदते हैं और इस वक्त हम एक भूटान के प्रसिद्ध ज्वेलरी शॉप पे हैं जहाँ जो ग्राहक है उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जिसके द्वारा दुकान संचालित हो रहा है उनसे भी बात करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसके अंदर में धनतेरस के दिन सोने चांदी और धातु खरीदने की परंपरा होती है नंदनी, और
हमारे साथ दुकान के यहाँ के संचालक है, सबसे पहले आपको नाम बताएं और फिर फॉर्म करा भाई फॉर्म करा क्या बताइए और आपका नाम पूछना फिर रुके मेरा नाम अर्जब जैन है। अच्छा अर्जब जी हमें ये बताएं कि आज धनतेरस है और अगर आप मान्यता के अनुसार बात की जाए तो आज के दिन सोने चांदी से बने वस्तुओं को और धातु जो भी हो की परंपरा है तो ग्राहकों में कैसा उत्साह है और आप कैसे किस तैयारियों के साथ इस बार धनतेरस पे सामानों को लाए हैं? देखिए हमारी प्रिपरेशन तो बहुत थी लेकिन रिस्पांस ऐसा नहीं मिल रहा है। मार्केट तो देखिए आप देख ही रहे मार्केट का क्या हाल है, कस्टमर्स आ ही नहीं रहे और देखिए ऑनलाइन शॉपिंग से और इन सबसे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आजकल। तो बात की जाए तो दो साल के कोरोना काल के बाद अगर देखा जाए तो दूसरी मर्तबा है कि लोग खुले आसमान के नीचे इस त्योहार को मना रहे हैं। अगर बात की जाए जो खरीदार है तो उनके अंदर कैसा उत्साह है? ये खरीदार के अंदर क्या उत्साह है देखिए आप कस्टमर्स बैठे आप खुद ही पूछ लीजिए कि हम लोग तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके बैठे धनतेरस की कस्टमर्स आएंगे सब ले जाएंगे वैसे ये रिस्पॉन्स नहीं है कस्टमर का। अच्छा बात तो आमतौर से इसमें जो होता है कोई नॉर्मल चांदी का सिक्का खरीदता है कोई मुगल कालीन सिक्का खरीदता है पसंद करता है तो कौन से सिक्के की सबसे ज्यादा मांग है और धनतेरस पे आप खास लाए अपना हम लोग नेकलेस है रिंग्स है डायमंड रिंग्स है ये सब कुछ जो है थोड़ा एड ऑन किए हैं और बाकी कॉइन्स की जहां तक बात है लोग डॉलर ज्यादा पसंद करते हैं और गणेश लक्ष्मी के भी सिक्के बिकते हैं हर तरीके के सिक्के हम लोग को रखने पड़ते हैं। बाकी सब भाव की बात की जाए तो शुरुआती कीमत क्या है और उससे अगर बात की तो बात तो बहुत तो आम सिक्कों के मुताबिक इनका रेट पर काफी फास्ट रहा होता है तो क्या क्या रेटों उपलब्ध है? हमारे यहाँ सिक्का 5 ग्राम से मिनिमम 5 ग्राम से 300 रुपए जिसकी कीमत है इतने से स्टार्टिंग है बाकी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जैसे भी कस्टमर मांगते हैं हम लोग वैसे भी देते हैं सब लोग सब कुछ हम लोग को रखना पड़ता है। हमें ये बताया कि मुगल कालीन जो सिक्के होते हैं और जो आमतौर पर क्या फर्क होता है विक्टोरिया कालीन के सिक्के भी आप आज के जमाने में नहीं मिलते हैं वो आपको किसी स्टोरी के और जो एंटीक्स में डील करता है केवल उसी के पास मिलते हैं बाकी हम लोग के पास जो नए ढले हुए सिक्के होते हैं वही जो नए सिक्के आते हैं आपके 100% के आते हैं और जो गणेश लक्ष्मी के जो सिक्के आते हैं वो सब चलते हैं जिसकी डिमांड होती है हम लोग को वो रखना पड़ता है वो बिकता है। तो आपने नंदनी सुना कि ये डिमांड के अनुसार सामानों को रखते हैं और साफ तौर से लक्ष्मी गणेश के जो सिक्के होते हैं वो भारी मात्रा में बिकते हैं और ग्राहक की पसंद के अनुसार सिक्के अपने खरीदे जाते हैं और अगर देखा जाए तो इस त्योहार के दिन लक्ष्मी का आगमन होता है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार और आज लोग अपने घरों की सफाई करते हैं सोने की खरीदारी करते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और तमाम नए चीजों को आज घर ले आते हैं और माना यह जाता है कि आज के दिन परंपरा है कि आज नए चीजों को खरीदा जाता है। आप एक बार देखिए यहाँ कि ग्राहक के अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है अपने इच्छा अनुसार ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ मौजूद ग्राहकों से ही बात करेंगे। मैम अपना नाम बताएं और कितनी उत्सुकता है धनतेरस की खरीदारी को लेकर? बताइए जरा बोलिए तो बात की जाए तो आपने दिवाली के लिए तमाम तैयारियां की होंगी सफाई की होंगी घर की और कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी का प्रवेश होता है घर में तो क्या क्या तैयारी है कैसे खास बनाएंगे इस त्योहार को? बस सारी सफाई वफाई करके यही सब सामान लेके जो अपना और जो चांदी के सिक्के हुए या बर्तन वर्तन ये सब चीजें लेके सब करते हैं। सिक्का खरीद लिया होंगे कहा जा रहा है की महंगाई की मार जनता देख रही है तो त्योहारों पर कितना असर है महंगाई का? थोड़ा सामने वाले होकर के तब यहाँ तक पहुँचे हैं
तो यहाँ कुछ और ग्राहक है उनसे भी हम बात करेंगे। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए, हमें ये बताइए कितनी उत्सुकता है, आज धनतेरस है और कल छोटी दिवाली है उसको लेकर। कितनी उत्सुकता है? बहुत ज्यादा। तो साफ तौर से आप नंदिनी देख सकती है कि यहाँ मार्केट पूरी सजी हुई है और लोग अपने मनपसंद खरीदारियों को करने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार मार्केट का दृश्य दिखाएं। अब शाम ढल चुकी है, कुछ ही समय के अंदर जो रोशनी है वो खत्म हो जाएगी और आप तैयारियों से देख सकती हैं कि मार्केट में धीरे धीरे जो आम खरीदारों की बात है, दियो की खरीदारी करने और रंगोली जो बनती है उससे उसके सांचों को, रंगों को खरीदने, चाहे हो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो, तमाम जो दिवाली पे आवश्यकता वाली चीजें हैं उसको खरीदने के लिए ग्राहकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी कहूंगा कि आपको एक बार दिखाए कि ग्राहकों से पूरा मार्केट पटा हुआ है और ग्राहकों के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला है। क्योंकि अगर बात की जाए तो अगर बात कल अयोध्या के अंदर में दीप उत्सव है और दीपों को लेकर लोग इस बार काफी उत्साहित हैं, जहां सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे अयोध्या में। वहीं अगर बात की जाए तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दियो को दिखाएं। अगर बात की जाए दियो की तो इस बार अलग अलग तरह के दिए हैं, फैंसी दिए हैं जो रंगीन तरीके से पूरे दिए बनाए गए हैं, ये पकी मिट्टी के दिए हैं। साथ ही साथ कुछ मार्केटों में इस बार गोबर से निर्मित दिए बनाए गए हैं, जिससे कहा ये जा रहा है कि प्रदूषण मुक्त दिवाली होगी। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम रंगोली के तमाम देख रही हूँ कि रंगोली बनाने के अलग अलग जो उपकरण होते हैं, साचे होते हैं, वो रखा गया है, गुलाल रखा गया है जिससे रंगोली बनाया जाता है। रंगोली का एक खासा बेहद बड़ा महत्व होता है दिवाली के अंदर में और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक घर में रंगोली दरवाजों के बाहर बनाई जाती है और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो उनके स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती है, घरों की सजावट की जाती है। और माना ये जाता है कि श्री रामचंद्र जब कहीं ना कहीं देखे तो अयोध्या अपने 14 वर्षों का वनवास खत्म होता है, उसके बाद जब वो अयोध्या आते हैं तो दिए जलाकर उनका स्वागत किया जाता है। और माना यह भी जाता है कि जब श्री रामचंद्र आए थे तो उस वक्त पूरे अयोध्या को घी के दिए से जलाकर और दीपोत्सव की शुरुआत उसी दिन से हुई थी। और आज पौराणिक जो इतिहास है, जो पौराणिक मान्यता है पौराणिक, उसको मानते लोग दिवाली के त्योहार, दियो के त्योहार को उत्साह के साथ मनाने के लिए आते हैं। जी मूर्तियों को लेकर एक अक्सर ट्रेंड बनता रहता है कि इस मूर्ति की ज्यादा डिमांड थी या इस मूर्ति की ज्यादा, तो इस बार बाजार में कैसी मूर्तियां देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्तियों को लेकर। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार मूर्तियों का तस्वीर आपको दिखाएं कि अलग अलग तरह की मूर्तियों को लाया गया है। अगर बात करें तो चीनी मिट्टी से लेकर और नॉर्मल मिट्टी से बनी मूर्तियों का लोग खरीदारी करने आए हुए हैं। अगर बात की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं नंदनी जो ऑनलाइन मार्केट है उसका प्रभाव मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि बात की जाए तो मूर्तियों से लेकर दिए से लेकर तमाम सजावटों के जो सामान है वो ऑनलाइन मिल रहे हैं। वही हमारे साथ गुलाल और दिवाली पे रंगोली के सामग्री बनाने वाली चीजें होती है वो विक्रेता है, हमें ये बताएं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट जो है उसका प्रभाव मार्केट में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लोग नॉर्मल जो पहले खरीदारी तो लोग जब ऑनलाइन मार्केट धीरे धीरे कब्जा आ गया, लोग घरों तक सामान पहुंच जा रहे हैं, क्या आपकी खरीद जो बिक्री है उस पर कोई असर आया है ऑनलाइन मार्केट आने के बाद? बिक्री हो गई है और ग्राहकों में कैसा उत्साह देखने को मिला है? तेल कैसा है? तेल अच्छी नहीं आ रही है, तेल अच्छी दे रही है। अगर बात की जाए तो आप लंबे समय से दुकान लगाते होंगे, क्या फर्क दिख रहा है? बहुत कम दुकानदारी हो रही है ऑनलाइन, तो इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट आने के बाद जो इनकी दुकानें हैं उन पर खासा असर आया है।
क्योंकि जिन्हें जो भी वस्तु दिवाली या तमाम समों पे जगह आवश्यकता होती है लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं, जिससे इन रेड़ी पटरी वालों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वही नंदनी अगर बात की जाए तो दिवाली के अंदर में एक खास महत्व होता है दीयों का, सजावट का, रंगोली का, और तमाम जो सफाई की जाती है, घरों को सजाया जाता है, तो इससे संबंधित आप देख सकती हैं कि रंगोली जो पेपरों पे बनी होती है वो भी बेचा जा रहा है कि अगर कोई रंगोली बनाने में सक्षम नहीं है और कहीं ना कहीं देखे तो इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने में जहां लोग पुरानी परंपराओं को भूलकर और नए चीजों को अपना रहे हैं, उसी समय आप देख सकती हैं कि यहां रंगोली की एक तस्वीर रखी है और आप देख सकते हैं खरीदार अपने घरों से निकलकर और इस त्योहार पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं और इनके चेहरे पे साफ तौर से उत्सुकता नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस बार का जो दिवाली है उसको बेहद खास होगा, क्योंकि देखा जाए तो इस बार की जो दिवाली है उससे ठीक पहले छोटी दिवाली को 15 लाख दिए जलाकर अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का नाम होगा, देश का नाम होगा। साथ ही साथ इससे देखा जाए तो विदेशों में भी एक संदेश जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो भारत उपमहाद्वीप को देखा जाए तो इसमें दिवाली मनाई जाएगी, 91% जनसंख्या वाले नेपाल में भी दिवाली मनाई जाएगी, वहीं 8% जनसंख्या वाले बांग्लादेश में भी दिवाली मनाई जाएगी। पाकिस्तान के अंदर में भी जो हिंदू आबादी है वहां पर भी दिवाली का खास असर होता है और पूरे भारत महाद्वीप के अंदर में दिवाली का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी नंदनी, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से निर्देश दिया गया है कि ग्रीन पटाखों को जलाना है, और वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखे तो दिवाली के पहले जो एक्यूआई लेवल होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें काफी उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पटाखों को लेकर आम जनता नियमों को तोड़ती है और प्रदूषण पूरे फैलाती है, जिसका खासा असर एक्यूआई पे नजर देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिवाली खत्म होने के बाद एक्यूआई का क्या रिजल्ट आता है। वही आप देख सकती हैं कि अभी देर शाम ढल रही है और धीरे धीरे मार्केट की जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए तो इस बार इस भूतनाथ के मार्केट जहां काफी संख्या में खरीदार आते हैं और दुकानें काफी लगती हैं, इसको देखते हुए इस बार जाम ना लगे इसका विशेष प्रबंधन करते हुए यहां यूपी पुलिस के ट्रैफिक के जो जवान हैं उनको भी मुस्तैद किया गया है। साथ ही साथ भूमिगत पार्किंग को भी पूरे सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है कि इस मार्केट में जो कि लगभग 1 किलोमीटर में फैला ये मार्केट है उसमें जाम ना लग सके। और आपको बताएं कि जाम को लेकर यहाँ वॉलेंटियर भी लगाए गए भूमिगत पार्किंग की तरफ से कि इस त्योहार को लेकर जहाँ लोग खरीदारी करने आ रहे हैं गाड़ियों को बाहर रोक दी जा रही है, कुछ गाड़ियां गलियों से आ रही है जिसका वजह से आप देख सकती है तस्वीरों में कि जाम देखने को मिल रहा है। वही अगर बात की जाए तो पूरे मार्केट को बलून और झालरों से पटा हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों जो खरीदार है जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए और दिवाली के पर्व पर कहीं ना कहीं त्योहार का जो रौनक है वो मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। फूलों की दुकानों पर कहूंगा कि आप मेरे सहयोगी दिखाएं कि फूलों की दुकानों पर जो फूल का खास महत्व रहता है, कई जगहों पर फूल मालाओं से सजाया जाता है दुकानों को, प्रतिष्ठानों को, घरों को, तो इसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम का और जो गेंदे का फूल होता है उससे निर्मित मालाओं को भी लगाया गया है। हम फूल के खरीदारों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा मार्केट है और कैसा सेल है। वहीं आप देख सकती हैं कि लक्ष्मी गणेश को कहीं ना कहीं पीले फूल चढ़ाया जाता है और मैं फूल की दुकान के हूँ जहाँ विभिन्न तरह के फूलों को लगाया गया है। यहाँ के खरीदार से हम जानेंगे, जो विक्रेता उनसे हम जानेंगे कि कैसी बिक्री है और दीपावली के त्योहार पर जो ग्राहक है उनसे मैं कितनी उत्सुकता है। विवांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बाजारों की रौनक दिखाने के लिए। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
विवेक गुप्ता संचालक बालाजी स्वीट हाउस औरैया की तरफ से सभी देशवासियों को धनतेरस दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेक गुप्ता की अपील, इस त्योहार पर अपना ख्याल रखें और शुद्ध खोए से बनी ही मिठाई खाएं, जो कि हमारे स्वीट हाउस पर उपलब्ध है। मैं विवेक गुप्ता प्रोपराइटर बालाजी स्वीट हाउस ब्लॉक के टोरिया की ओर से समस्त नागरिकों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा शुद्ध खोए से निर्मित मिठाइयाँ और नमकीन बिक्री की जाती हैं एवं लंच पैकेट भी तैयार किए जाते हैं।